नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। वैशाली के पूर्व सांसद और आरजेडी के कद्दावर नेता, राजपूतों के नेता बाहुबली रमा सिंह ने आरजेडी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। सुनिए रमा सिंह ने क्या कुछ कहा है। और आज का जो हमारा प्रेस वार्ता है उसका संक्षिप्त जो है यही कि आज मैं राष्ट्रीय जनता दल के प्राथमिक सदस्यता से मैं और अपने समर्थकों के साथ इस्तीफा देने का निर्णय किया है और इसका पत्र हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल को भेज भी दिया है और आप लोगों के समक्ष भी हमारा आज का प्रमुख जो है हमारा विषय आप लोग पहुँचाने का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी में ही मोह भंग हो गया, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ज्यादा लंबे समय तक रहना और हमने देखा कि वहाँ रहने के बाद जो राष्ट्रीय जनता दल की जो नीति है वहाँ का जो तौर तरीका है कहीं राजनीतिक दृष्टिकोण से राज्य के हित में कहीं भी हमको नजर नहीं आए और इस कारण जो है हमारा मोह भंग हो गया। आपकी पार्टी रामविलास ज्वाइन कर रहे हैं? देखिए वो आज हमारे सभी समर्थकों से वार्ता हो रही है और कल तक यह निर्णय हम ले लेंगे और निश्चित रूप से जो निर्णय होगा उसकी शिक्षा में आप लोग। आपकी पत्नी अभी आरजेडी में ही अब यह उनका विचार होगा और उनका निर्णय होगा, उस पर अब पत्नी नहीं है यहाँ हम आपके बीच है और हम अपना निर्णय आपको जो है आपको बताए। आरजेडी में ऐसा क्या आपने किया? देखिए हम लोग तो हमेशा राष्ट्रीय जनता दल के विरुद्ध जो है 30 वर्षों तक हमारा जो राजनीतिक जीवन रहा वह राष्ट्रीय जनता दल के विपरीत ही था, लेकिन हमने समझा कि भाई एक राष्ट्रीय जनता दल का बागडोर नौजवान के हाथ में है, व्यवस्थाएं वहां की बदली होगी, लेकिन हमने महसूस बहुत कम समय में ही हमने महसूस किया कि वहां की व्यवस्था और जो है चौपट हो गई है। जो पहले उनकी नीति थी वह और जो है उससे भी ज्यादा खराब जो है नजर आया और तमाम तमाम तरह की बहुत सारी बातें थी जो हमको लगा कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं बल्कि और जो है गर्त में चला गया। इन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए हमने यह निर्णय लिया। ऐसा तो नहीं कि और देखिए देखिए ऐसा है कि मैं चुनाव के प्रति कभी भी बहुत आपने पहले भी हमको देखा होगा कि चुनाव के लिए ललायित रहने वाले लोगों में मैं नहीं हूँ। मैं चुनाव लोकसभा का भी चुनाव छोड़ दिया हूँ, विधानसभा का भी चुनाव छोड़ा हूँ और लोकसभा और विधानसभा का सदस्यता में 30 वर्षों तक लगातार जो है मैं रहा भी हूँ और उसके प्रति ललायित रहने वाले व्यक्ति मैं नहीं हूँ। और मैं हमेशा नीतियों पर और जो राजनीति में जो नैतिकता की बात होती है उन तमाम नैतिकताओं का जो होना चाहिए उसके आधार पर ही हमारी राजनीति नहीं है। मैं उससे अलग हट करके जहाँ कहीं भी देखा हूँ अवसर तो उससे समझौता मैं नहीं किया हूँ और मैं हमेशा उसे खिलाफत किया। नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ खास करके विचारों में संकीर्णता हो जाए, विचारों में संकीर्णता हो वह राजनीतिक दृष्टिकोण से वैसा जगह कहीं उचित नहीं है। देखिए उनकी हमेशा से रही है कि पहले बात करते थे भूरा बाल साफ करो, अब जो है उनका विचार जो है किसी वर्ग विशेष को जो है लक्ष्य करना, ये तमाम बहुत सारी एक एक चीज नहीं है, बहुत सारी कमियां देखने के बाद मैं वहां कर रहा हूँ। तो आपने सुना रामा सिंह सीधे तौर पे ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आरजेडी में मैं कई वर्षों से हूँ लेकिन आरजेडी का विचारधारा बिल्कुल अलग है। पहले लालू प्रसाद यादव भूरा बाल साफ करने की बात करते थे लेकिन अब उनके पुत्र भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं जो कि मेरे विचार से मेल नहीं खाता है। जब पत्रकारों ने उनकी पत्नी को लेकर के सवाल किया तो उन्होंने कहा कि वो पत्नी की निजी राय है कि वो आरजेडी में रहेगी या नहीं, लेकिन मैं आरजेडी में अब बिल्कुल भी नहीं रहूंगा। फिलहाल इस खबर में इतना है।